हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सुबह वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे, यानी आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी क्या थी। आपके लिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में सोच भी रहे थे या नहीं सोच रहे थे ये भी देखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो उनकी मॉर्निंग एनर्जी देखेंगे आज के लिए क्या है, ठीक है, या क्या थी। ओके, तो ये रीडिंग व्यूअर्स जनरल है। ये कार्ड अनफोल्ड हो गया शफल करते वक्त कार्ड्स को। टेन ऑफ वैंड्स, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको कंसिडर डेफिनेटली करूंगी। ओके, तो व्यूअर्स ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या बिल्कुल ना करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैम कल की रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं की, या आज की बिल्कुल नहीं की, या ऐसा था वैसा था। तो मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स, मैंने आपको हर रीडिंग की शुरुआत में बताया है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये रीडिंग्स जनरल हैं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसमें सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, कभी कभी ये लोगों के साथ एक्यूरेटली मैच करते हैं, कभी कभी सिर्फ कुछ परसेंटेज पार्शली मैच करते हैं, और कभी कभी बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो अगर आपके साथ कोई सिचुएशन मैच नहीं कर रही है, या आपके साथ वो रीडिंग नहीं मैच कर रही है, तो वो रीडिंग आपके लिए शायद नहीं थी, कोई और रीडिंग होगी जो आपके लिए होगी, कोई और मैसेज आपको किसी और वक्त मिलना होगा। तो अगर कोई सिचुएशन, आपकी सिचुएशन इस रीडिंग के साथ नहीं जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग कोई झूठ है या गलत है। ये जनरल रीडिंग है, इसमें जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए नहीं हो, किसी और के लिए हो, ये हो सकता है। ओके, तो आप अगर इस बात को समझ नहीं पाए हैं, तो मैंने खुल के इसको बताने की कोशिश की है। ओके, और ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, क्योंकि जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो ऑलमोस्ट सभी तरह के कार्ड्स कवर हो जाते हैं, जिसमें सभी जोड़ियक साइंस इंक्लूडेड होते हैं। इसीलिए मैं अलग से नहीं बताती हूँ, सिर्फ ये बोलती हूँ कि सभी जोड़ियक साइंस के लिए है। टाइमलेस है, क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह मैसेज आपको तभी मिलना था। ये जो रीडिंग है, ये आप तक तभी पहुंचनी थी जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। ऐसे आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। ओके, और मैं रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस और चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आप मिस ना कर पाए, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर व्यूअर्स दोनों कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ये अनफोल्ड हुआ है, ये पॉप आउट हुआ है, मैंने दोनों को कंसिडर किया है, ठीक है, क्योंकि एक एक कर ये कार्ड बाहर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आज सुबह उनकी एनर्जी क्या थी, और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, ठीक है। वाओ, टू ऑफ कप्स, कोई भी टैरो कार्ड रीडर बता देगा आपको ये कि टू ऑफ कप्स जो कार्ड है वो कितना रोमांटिक कार्ड है, या कितनी पॉजिटिव कार्ड है, कितना पॉजिटिव कार्ड है, नॉट कितनी। ओके, दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट। हाई प्रीस्टेस, इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए एनर्जी ऑफ डेक देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके, अगेन कप्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा है, और टेन ऑफ वैंड्स जो स्टार्टिंग में ही हमें मिल गया था। ओके व्यूअर्स, तो उनकी आज मॉर्निंग की एनर्जी व्यूअर्स देखिए, पहली बात तो ये है कि समवेयर हो सकता है या तो आपका ड्रीम देखा था रात में, सपना देखा था आपको लेकर, या रात में बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, और बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद वो सो गए, ऐसा लगता है। बट ऐसा लगता है कि जब वो सुबह उठे हैं या जागे हैं, तो एक बैगेज के साथ, एक मेमोरी के साथ, एक बर्डन के साथ उठे हैं, या इसको मेमोरी कहना ही ठीक होगा, यानी कि जब वो उठे हैं तो उन्हें बहुत कुछ याद रहा कि वो कल रात क्या सोच रहे थे, या कल क्या सपना आया है रात में। जब हम ऐसा होता होगा आपके साथ भी, कि जब हम कभी जागते हैं तो हमें रात का याद आता है कि रात में हम ऐसा करके सोए थे, फोन चार्जिंग पे लगा के सोए थे, या क्या किया था क्या नहीं किया था, चेक करते हैं, और हमने
क्या सोचा था रात में, क्या कुछ भी बात होती है वो दिमाग में आ जाती है, और अगर सपना देखा होता है तो वो भी हमारे दिमाग में आ जाता है। तो कल रात व्यूवर्स ये आपको बहुत अगर मिस कर रहे थे, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स जो हैं वो किसी प्रकार का बर्डन भी शो करते हैं, तो अगर ये कल आपको मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो काफ़ी हैवी फील कर रहा था इनका हार्ट, और ये काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे अपने दिल पर उन्हीं फीलिंग्स का, जो कि ओके जो वो सैड फीलिंग्स हैं जहाँ वो आपको मिस कर रहे हैं, तो वो बर्डन महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं रात में, या उन्होंने ऐसा सपना देखा हो सकता है कोई जिसमें कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं। तो इस तरह से पता लगता है कि आपकी याद आई है इन्हें, और उस वजह से सुबह उठते ही आपके बारे में सोच रहे थे। तो व्यूअर्स ये बात है कि काफ़ी सुबह सुबह उठे हैं तो भी इनका जो माइंड था वो काफ़ी हैवी था, थॉट्स और फीलिंग्स जो रात में उनके थे जितने भी हैवी थे, या ड्रीम्स में जो जितना उन्होंने हैवी फील किया है वो सुबह तक कंटिन्यू था, मेंटेन था। तो वो बर्डन, या मैं कहूँ वो हैवीनेस, उन्होंने सुबह जागने के बाद भी महसूस की है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स की जब बात ड्रीम्स की आती है, तो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स भी डे ड्रीमिंग की बात करता है, विच मीन्स कि ये आपको लेकर व्यूअर्स आज सुबह डे ड्रीमिंग करने लगे। ऑब्वियसली जब वो ये सब याद कर रहे थे कि उन्होंने सपने में क्या देखा है, तो ड्रीम्स में भी आप आए हो सकते हैं, तो उस वजह से ये ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे थे। ये सुबह उठे हैं तो ऑलरेडी इनके दिमाग में वही विचार थे जो पहले से चल रहे थे, और सो के उठने के बाद भी वही विचार कंटिन्यू थे। तो कहीं ना कहीं ये सुबह उठकर भी डे ड्रीमिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सुबह उठकर भी आपके बारे में दोबारा सोचने लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोबारा आपके बारे में सोचने लगे कि आप उनके साथ होते तो कैसा होता। समवेयर ऐसा लग रहा है कि बहुत ख्वाब देखे जा रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे थे, या ऐसा लगता है कि अपने ड्रीम को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपने सपने भूल जाते हैं, सपनों में क्या हुआ था वो बातें भूल जाते हैं, तो ये हो सकता है कि ये अपने ड्रीम को याद करने की कोशिश कर रहे थे, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या था सपना, एग्जैक्टली किस बारे में था, समझने की कोशिश कर रहे थे। सेवन ऑफ कप्स व्यूअर्स ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इल्यूजन में है, थोड़ा सा ये रियलिटी में नहीं है, ख्वाबों में ज़्यादा जी रहे हैं, आपको लेकर इमेजिनेशन बहुत कर रहे हैं, कल्पना बहुत कर रहे हैं, ओके पॉजिटिव भी इमेजिन कर रहे हैं। अगर इनके मन में डर है या किसी प्रकार का कुछ कोई भी कोई रिग्रेट है, गिल्ट है, तो उस प्रकार की इमेजिनेशन होगी, लेकिन ये सुबह सुबह उठकर आपको फिर से इमेजिन करने लगे, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करने लगे, आपको लेकर कल्पना करने लगे, लेकिन ये इल्यूजन की बात है, ये इनके दिमाग का भ्रम है कि ये बहुत सारा सोच रहे हैं आपके बारे में सुबह उठकर, और उससे पहले भी ये आपको मिस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग की बातें ज़्यादा हैं, ये रियल लाइफ या रियलिटी की बातें नहीं हैं। इंसान चाहे दुखी होकर सोचे, चाहे ओवर थिंकिंग करके सोचे, या इमेजिन करता रहे, या सपनों में खोया रहे, ये सिर्फ इल्यूजन की बातें होती हैं, इनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं होता, ठीक है। तो ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ड्रीमी स्टेट लग रही है, सपनों का सा जहान, सपनों की सी दुनिया, सुबह सुबह ऐसा था, मतलब और सुबह सुबह होता भी ऐसा है कि आप आधे जागे हुए होते हो, आधे आप नींद में होते हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी इमेजिन करने लगो, या सोचने लगो, या कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को रिकॉल करने लगो, ये आदतें बहुत नॉर्मल हैं, ओके। तो शायद उनके साथ आज सुबह ऐसा हुआ है। समवेयर व्यूअर्स ये ड्रीम अगर उन्होंने देखा है, या आपके बारे में डे ड्रीमिंग की है, या आपकी कल्पना की है, तो उन्होंने सोचा इसी बारे में है कि आप लोग कप ऑफ लव एक्सचेंज कर रहे हो। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपका जो कनेक्शन है आप दोनों का, या आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच, वो स्ट्रांग है, और प्रॉपरली ये कनेक्शन म्यूचुअल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ इन्वेस्टेड हो या आपके पर्सन यहाँ इन्वेस्टेड है। वो ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे के साथ प्यार में हो, एक दूसरे के साथ इक्वली एक्सचेंज कर रहे हो लाइक फीलिंग्स को। तो वो कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रहे थे कि आप दोनों ही एक दूसरे से समान रूप से प्यार करते हो, ये प्यार एक तरफा नहीं है, आप दोनों ही इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस हो, ऐसा वो आज सुबह कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे। समवेयर व्यूअर्स अगर वो आपके बारे में स्पेसिफिकली सोचते हैं, सिर्फ आपके बारे में, और एज अ
कनेक्शन एज अ रिलेशनशिप नहीं सोचते हैं, अगर वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे आज सुबह, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपको इस पोजिशन में देख रहे थे कि आपके इमोशंस का या आपके स्टेट ऑफ माइंड का पता नहीं चल पा रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो व्यूअर्स वो ऐसा सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि आप थोड़े से चेंज हो गए हो, आप में थोड़ा बदलाव आया है, या तो ये बदलाव नेचुरली आया है क्योंकि नेचुरली हम ग्रो करते हैं, या व्यूअर्स आपने ये बदलाव अपने अंदर लेकर आया है जिसकी वजह से उन्हें आपके स्टेट ऑफ माइंड का, आपकी आपके पर्सपेक्टिव का इस समय पता नहीं चल पा रहा है। थोड़े मिस्टीरियस लग रहे हो आप इनको इस समय, और ये क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए कि आपकी लाइफ में अब चल क्या रहा है, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि आपकी लाइफ में अब क्या हो रहा है। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा भी लग रहा है जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, काफ़ी स्पिरिचुअल होता है ये पर्सन, काफ़ी नॉलेज होती है, काफ़ी विजडम होती है, लेकिन थोड़े मिस्टीरियस रहते हैं, थोड़े रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते, होते हैं तो रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि बस बोलते हैं तो बोलते चले गए, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उन्हें एक मेच्योरिटी तो दिख रही है, लेकिन थोड़े मिस्टीरियस भी लग रहे हो। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि व्यूअर्स आपने अपने इमोशंस को अब कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे, यानी कि पहले आप ऐसे नहीं थे कि पता ना चल पाए कि आपका आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, या आपके लिए इमोशंस मैटर करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल होने की आदत में होंगे, पहले आप इमोशनल जल्दी हो जाते होंगे, आपको हर्ट जल्दी हो जाता होगा, विच मीन्स आप सेंसिटिव बहुत होंगे। लेकिन अब अगर थोड़ा सा आपने अपने अंदर बदलाव किया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो ये बदलाव पर उनका ध्यान गया जरूर है कि आप अब इतने इमोशनल होते हुए दिख नहीं रहे हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट वगैरह डालते थे, या इमोशनल बातें करते थे, या ऐसी चीजें अब आप कम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। ओके, मुझे मून भी यहाँ दिख रहा है कि पैरों के पास है, यानी इमोशंस को सर पे बिठा के नहीं रखा है, ऐसा लग रहा है बैलेंस करके रखा है व्यूअर्स आपने। ठीक है, तो आपके बारे में स्पेसिफिकली सुबह ये सोच रहे थे कि आप तो बदले बदले हो, आपके आपका तो व्यवहार बदला है, आपकी तो कहते हैं ना कि अब तो ये पर्सन में बदलाव आ गया है, अब ये किसी कुछ और टाइप के ही हैं, अब इनके अंदर पता नहीं क्या हुआ है, क्या इनके ऊपर मैजिक हुआ है कि ये बदल गए हैं। तो मैजिक से नहीं बदले हैं आप बदले हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, बट ये बदलाव उन्होंने ही नहीं और लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आप थोड़े से सीरियस रहने लगे हो, या मैं कहूँ थोड़े से मैच्योर दिखने लगे हो, क्योंकि यहाँ पर आप व्यूअर्स ग्रो बहुत कर रहे हो। यहाँ पर टू ऑफ कप्स और जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है वो भी मुझे टू का कार्ड नजर आ रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि दो से आपका कोई कनेक्शन है, आपका टू नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या हो सकता है कि आपको ट्रिपल टू एंजल नंबर नजर आता है। अगर ट्रिपल टू आपको नजर आता है तो उसका डेफिनेटली कोई मीनिंग है, स्पिरिट्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। उस ट्रिपल टू एंजल नंबर को आप गूगल पर डालकर सर्च करें और उसका मीनिंग आपकी लाइफ में रिसीव करें कि किस तरह से वो मीनिंग आपके लिए रेलेवेंट है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज देख रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके अंदर आ रही है ऐसा लग रहा है, बट वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए हैं। तो आज सुबह देखा जाए तो स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ इमेजिनरी था, जो ख्याल थे वो सिर्फ इमेजिनेशन तक थे, कोई एक्शन लेने की बात नहीं है। पेज ऑफ कप्स व्यूअर्स, अगर ये आपकी तरफ एक्शन लिया होगा इन्होंने आज, या इन्होंने आज आपसे कोई बात करने की कोशिश की होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बात इन्होंने बात करने की कोशिश की हो, क्योंकि ये सब थिंकिंग, इमेजिनेशन और कल्पना की बात है। लेकिन अगर इन्होंने स्टेप लिया है फॉर सम पीपल, यानी कि 20% लोगों के लिए अगर इन्होंने आपसे आज बात करने की कोशिश की है, तो इन्होंने बहुत ही जनरल बात की है, जैसे कोई जोक आपके साथ शेयर कर दिया, या कोई फ्लर्टी लाइन आपके साथ शेयर कर दी, फ्लर्टेशियस लाइन, या हो सकता है कि आपको थोड़ा हंसा दिया किसी बात पे, या फिर जनरल बात करी कि हाय हेलो कैसे हैं और क्या हो रहा है, ओके ठीक है चलिए फिर बाद में बात करते हैं। तो बहुत ही कम और बहुत ही सिंपल बेसिक बात की होगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स किसी प्रकार की सीरियसनेस को नहीं दर्शाता। ओके, यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स रिवर्स में है, टू ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में है, ठीक है, मैं कंसिडर करूंगी इनको रिवर्स में, चाहे ये कार्ड्स तीनों एक साथ रिवर्स में आए हों, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहां पर ऐसा लगता है कि खुद के लिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में है,
खुद के लिए इनके मन में आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको चाहे देखकर अप्रिशिएट कर रहे हो या इम्प्रेस हो रहे हो कि आप ग्रो कर रहे हो, वाओ, या फिर आप बदल गए हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो अभी अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। तो उनके खुद के अंदर कोई अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे वो आपको कितना भी कॉन्फिडेंस में देखें, पर वो खुद काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। स्ट्रेंथ की कमी लगती है मुझे उनके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, कम्युनिकेशन गैप भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन का कम्युनिकेशन दिखाता है जो बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन है और काफ़ी कन्वेंसिंग और इन्फ्लुएंशियल बातें कर सकता है, ओके, ऐसा कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर कन्वेंसिंग और इन्फ्लुएंशियल तो सोचिए छोड़ दीजिए, यहाँ पर कन्वेंसिंग कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर इनके पास एक रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि ये अपने मन की बात को एज इट इज़ कन्वे कर दें या कन्फेस कर दें, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं महसूस कर रहे हैं, ओके, तो तभी मुझे ऐसा लगता है कि ख्यालों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सिचुएशन को रियल टाइम फेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। ये एज अ पर्सन भी इस तरह के इंट्रोवर्ट शायद ये नर्वस टाइप के हो सकते हैं, और अगर एज अ पर्सन ये नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इतना कॉन्फिडेंस आपके आगे फील नहीं करते, अगर बाकियों के आगे करते हैं तो। बाकी लोगों के आगे जनरली कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन अगर आपके आगे आते ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो समवेयर कहीं ना कहीं आपके कंपैरिजन में अपनी पर्सनालिटी को वीक समझते हैं, ओके। यहाँ पर व्यूवर्स ऐसा भी लग रहा है कि सपनों में तो इन्होंने काफ़ी लंबा सोच लिया है कि ऐसा होता वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा होता तो कैसा होता, आप उनके साथ होते, आप इनसे ये कहते, ये आपसे वो कहते, काफ़ी लंबा प्लानिंग कर लिया है सपनों में, लेकिन चाहे डे ड्रीमिंग कहें या इमेजिनेशन कहें, लेकिन रियलिटी में ऐसा लगता है व्यूअर्स के अभी भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि इन्हें चूज़ क्या करना है, क्योंकि टू ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में है। हो सकता है कि आप लोगों में पहले डिस्टेंस था, या अभी भी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, वो कहीं और आप कहीं और रहते हों, सिटी अलग, स्टेट अलग, या कंट्री अलग हो सकती है, ये भी हो सकता है। और ये कार्ड रिवर्स में दिखाता है कि इन्होंने अब तक चूज़ नहीं किया है या डिसीजन नहीं लिया है, यानी कि रियल लाइफ में या रियल टाइम में बहुत ही कम चीज़ें इनकी तरफ से हो रही हैं, और इमेजिनेशन में कुछ होना इतना मायने नहीं रखता है या उतना उससे फ़र्क नहीं आता है। यानी कि ठीक है, अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप भी उनके लिए पॉजिटिव फील करेंगे, वो सेम वाइब्रेशन, वो सेम वाइब, वो सेम एनर्जी आपको भी महसूस होगी, बट इससे कुछ रियल टाइम चेंज नहीं आएगा, यानी कि कुछ सिचुएशनल चेंज नहीं आएगा, सिचुएशन वैसी ही होगी। व्यूअर्स, अगर आपको 11-11 दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाली है, और आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब या स्विच ना करें, अपनी एनर्जी को फ्लक्चुएट ना होने दें, क्योंकि 11-11 नंबर जो आपको दिख रहा है एंजल नंबर है, और वो ये आपको बताता है कि आपकी विश पूरी हो रही है, जो आपने विश मांगी थी वो ग्रांट की जा रही है, ओके। तो अभी भी डिसीजन नहीं लिया है, साथ ही साथ थ्री ऑफ कप्स रिवर्स में है, यानी कि सेलिब्रेशन का कार्ड रिवर्स में है, यानी कि कितना भी ये ऐसा सोच लें कि आप दोनों का कनेक्शन म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों इक्वली इन्वेस्टेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा होना अभी बहुत टफ है। अगर वो आपके साथ लाइफ एंजॉय करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो रिवर्स में है, आपके साथ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, तो वो भी अभी रिवर्स में है। अभी ये चीज़ें पॉसिबल होती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो भी अभी कोई स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, और आज सुबह भी वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनरी स्टेट ऑफ माइंड में रहे हैं, और आपको लेकर उनकी थिंकिंग ये है कि आप बहुत बदल गए हैं। उन्होंने आज ये सोचा, हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता, या पता लगने नहीं देते, शायद ये बदलाव है आपके अंदर। तो व्यूअर्स, आपके बदलाव को वो किसी भी तरीके से परसीव कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इन्होंने बात करने का प्रयास किया है या करते, तो व्यूअर्स बहुत ही बेसिक बात होती, बहुत जनरल बात होती, कोई डीप कॉन्वर्जेशन आपसे ये नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस की कमी है, डिसीजन अभी लिया नहीं है, और कहीं ना कहीं जो भी वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं उनका रियल में होना अभी टफ है। अभी रियलिटी मुझे इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं लग रही है कि अगर उन्होंने सोचा है कि आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बर्थडेज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एस ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स में है, आगे एस ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स चीज़ें अभी डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं, यानी कि
आप देखिए इसको ये मत समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नेगेटिव है, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, हो सकता है ये आपकी सिचुएशन के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन के लिए है ये रीडिंग तो भी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी आज की एनर्जी है। हो सकता है कि पूरे दिन में कुछ ऐसा हो कि उनका माइंड चेंज हो, उनकी फीलिंग्स चेंज हो, वो कुछ और सोचें, कोई और प्लानिंग करें या कोई डिसीजन लें, तो ये एक सुबह की, एक वक्त की, एक टाइम की एनर्जी को बता रहा है, ये उनकी ओवरऑल उनकी लाइफ के डिसीजन को नहीं बता रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उनकी मॉर्निंग एनर्जी है आज की, ठीक है, जो कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। अगर ये मैच भी करता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो ये कार्ड भी यहाँ पर रिवर्स में दिख रहा है, जिससे लगता है व्यूअर्स कि जो भी इनकी इमेजिनेशन है या जो भी जितना भी इनका प्यार है, जैसा भी है, लेकिन ये अनकंडीशनल लेवल का नहीं है। अभी नहीं दिख रहा है कि ये उस लेवल का है या इतना इंटेंस है कि ये अनकंडीशनल हो, ये वो नहीं दिख रहा है, ये अभी अनकंडीशनल लव जैसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा अभी नहीं सोच रहे थे सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह सुबह ज़रूरी नहीं है कि हम इतना डीप थिंकिंग करें या इतना गहराई में जाकर अनकंडीशनल लव या खो जाएं प्यार में। ऑब्वियसली कि ये बात सच है, यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए थे, लेकिन दैट डजेंट शो, ये नहीं बताता है इमेजिन करना कि आप उस व्यक्ति को अनकंडीशनल लव करते हो, तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। और साथ ही साथ ये एस ऑफ कप्स एक ऑफर भी है जो कि आपके पास वो अभी लेकर नहीं आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स वाला ऑफर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन पेज ऑफ कप्स वाला ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, जो कि बहुत ही बेसिक सिंपल ऑफर हो सकता है, लाइक फ्रेंडशिप का ऑफर भी हो सकता है। ओके, यस, चलिए देखते हैं डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको इस सिचुएशन में। मैं सिर्फ दो कार्ड्स लूंगी व्यूअर्स इस डेक से। यू आर रेडी, तो आप व्यूअर्स किसी चीज के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, या अभी आप मन में सोच रहे थे कि मैं अभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं दैट यू आर रेडी, यानी कि आप प्रिपेयर हैं, आप रेडी हैं, आपको अब डरना नहीं है या अब कदम पीछे नहीं लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है अब, ठीक है, आप रेडी हैं, आप तैयार हैं, आप प्रिपेयर हो चुके हैं। ओके, आप उस लेवल पर, उस स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से तैयार हैं। नो नीड टू वरी, मैंने जस्ट आपसे अभी कहा कि पूरी तरह से अब आप तैयार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैसेज भी आ गया डिवाइन का कि नो नीड टू वरी, यानी कि आपको सच में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डिवाइन अश्योरेंस है, कार्ड का मैसेज ही ये है कि नो नीड टू वरी। ओके, नो नीड टू वरी, यू आर रेडी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से रेडी हैं। ओके व्यूअर्स, और रीडिंग की बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप में से अगर काफ़ी लोग इस समय ये सोच रहे हैं कि शायद आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि व्यूअर्स मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके, काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि कमेंट्स में कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के आपको व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोई प्रोवाइड कर रहा है, ड्रीम टैरो जैसी प्रोफाइल फ़ोटो लगा के, फेक आईडी बना के। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो ऐसे फ्रॉड या स्कैम पर आप विश्वास ना करें जो आपको कमेंट में रिप्लाई कर करके आपसे रीडिंग लेने के लिए कह रहे हैं या आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, वो सिर्फ स्कैमर्स हैं, फ्रॉड हैं, आप उनका विश्वास ना करें। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी साफ लिखा है कि मैं रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, यानी पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके व्यूअर्स, चलिए देखते हैं, कुछ लेटर्स लेते हैं यहाँ पे। व्यूअर्स, आपके या उनके नाम में टी हो सकता है और जेड हो सकता है, आपके और उनके नाम में जेड, टी जेड एंड बी भी हो सकता है, बी एंड के हो सकता है, के आपके या उनके नाम में के हो सकता है, ए भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है। ओके, क्यू, मैं देखती हूँ लेटर्स के थ्रू मुझे और कुछ चैनल होता है क्या। तो व्यूअर्स, क्यू से सबसे पहले यही चैनल होता है, दैट वाई, जैसे हिंदी में होता है ना क्यों, तो वाई, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, शायद आपके अंदर बदलाव आया है तो पूछना चाहते हैं आपसे कि क्यों आपने ये बदलाव किया, क्यों आप ये बदलाव लेकर आए, पर किसी और बात के लिए भी आपसे पूछना चाहते हैं, वाई, क्यों। ओके,
ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ग्रीन यहाँ पर पेयर में है और यहाँ पर रेड भी पेयर में है, जोड़ी में है। तो व्यूअर्स ये बताता है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो दोनों तरफ से म्यूचुअल तो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन का इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड तो आप दोनों ही हैं, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके 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 के बी यानी कि कब, यानी वेन। तो कब हो सकता है व्यूअर्स कि आप पूछना चाहते हो कि ये कब होगा, या कब ये आपकी तरफ ऑफर लेकर आएंगे, या कब सिचुएशन बेटर होगी। तो किसी के मन में सवाल सवाल है कि कब। तो व्यूअर्स कब का जवाब अभी यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन डिवाइन मैसेज में आया है, चिंता ना करें, आप रेडी हैं। ओके ओके यस ओके 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 88। तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि कहीं आप मिल सकते हैं अपकमिंग डेज में, कहीं आप मिल सकते हैं, क्योंकि किसी एट मुझे बताता है कि किसी जगह पर, किसी एरिया पर, किसी प्लेस पर, किसी लोकेशन पर आप लोग मिल सकते हैं। ओके हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, यानी कि सडनली मिल सकते हैं आप कोइंसिडेंटली, या ये हो सकता है कोइंसिडेंटली मिल सकते हैं, या ये हो सकता है कि प्लान करके भी मिल सकते हैं, और ये कि नहीं, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ओके ओके आप में से काफी लोगों को खांसी हो सकती है, कफिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर आपको खांसी नहीं है तो आपके पर्सन को या आपके परिवार में व्यूअर्स किसी को हो सकती है। लंग प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ये एक अलग चैनल्ड मैसेज था, ऑफकोर्स इस रीडिंग के रिगार्डिंग नहीं था, लेकिन ये चैनल हुआ है तो मैंने बता दिया आपको। ओके आई होप ये वीडियो आपके लिए रिलेटेबल रहा है व्यूअर्स, ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है ना व्यूअर्स, तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें तो मुझे पता लगे कि कितने लोगों को पसंद आया और ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रीडिंग्स लेकर आती रहूं और रीडिंग्स के दौरान ये इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती रहूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे Instagram पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, Instagram का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।